जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आवाज आ रही है जी आप सबको? जी जी आवाज आ रही है तो बता दीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कल जुमला इस्मिया मुकम्मल हो गया था और वो जुमले जिनका इस्तेमाल जो है ना बकसरत होता है उन जुमलों में एक जुमला ये जुमला इस्मिया था जो हम कल हल कर चुके हैं, बकसरत इस्तेमाल जो है। उसके बाद दूसरा जुमला है फेलिया, ठीक है। तो इसकी पहचान, जुमला फेलिया की पहचान याद रखिएगा। जो अलामतें हमने अल्हम्दुलिल्लाह फेल में कर ली हैं, अगर किसी में किसी के पास किसी के लिए उसमें कमी रह गई हो तो वो उसमें देख ले फिर हल कर ले, ठीक है। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो अब क्या है, तो जुमला फेलिया वो जुमला है जिसका पहला जुज फेल हो, जिसका पहला जुज क्या हो, फेल हो, वो जुमला फेलिया होगी। ये यानी पक्का उसूल है, फेलिया कब होगा जब जिसका जुज पहला जुज फेल हो। अच्छा फेल कौन सा होता है वो हमने पहचान कर ली, माजी मुजारे अमर नहीं जी, और मुजारे से बनने वाली जितनी भी अकसाम हैं जहद बलम है और नफी गैर मुकद मालूम है, मुकद बालन नासिबा है जी, फिर अमर है नहीं है, नहीं हाजिर की, न अमर गायब की जी, नहीं गायब की गर्दाने हैं, ये सारी की सारी के मुकद बाल वो ताकिर बानू सकीला है, खफीफा है जी। तो ये जी दोबारा जहन में रहेगी जी इंशाल्लाह ताला। तो जिसका पहला जुज फेल, अच्छा एक बात ये बात जहन में, दूसरी बात जुमला फेलिया के याद रखिएगा आम तौर पर जो मेन अज्जा होते हैं वो तीन है जी, फेल फाइल मफूल, फेल फाइल मफूल, ठीक है। अच्छा तो आपने सुना होगा फेले लाजिम और फेले मुतादी। फेले लाजिम कौन सा होता है कि जो सिर्फ फाइल पर पूरा हो जाता है, यानी उस जुमले में सिर्फ फेल और फाइल होता है। अच्छा और फेले मुतादी वो होता है कि फेल फाइल और तीसरी चीज मफूल भी आए। और तुम क्या आवाज नहीं होते, वो उनकी आवाज ना हो जी, ये माइक म्यूट कर लीजिए। ये माइक म्यूट नहीं, किसी का माइक म्यूट कर लीजिए। जी जुमला पहला और चौथा सीगा, अच्छा नहीं तो फेल मुतादी कौन सा होता है कि जो फेल फाइल और मफूल तीन पे पूरा हो, और फेल लाजिम कौन सा होता है जो फेल और फाइल दोनों पे पूरा हो। अब आप ये लिख लीजिएगा कि उर्दू में फेल मुतादी और फेल लाजिम की पहचान क्या है। तो उर्दू में फेल लाजिम की पहचान के लिए है कि जिस फेल के तर्जुमे में ने का लफ्ज है ने, वो मुतादी होगा, जिसमें ने का लफ्ज ना आए वो लाजिम होगा। जैसे मसलन खराज दीन जैद निकला तो ये फेल लाजिम, जराबा जैदुन जैद ने मारा ये मुतादी। ये लिख लीजिएगा ताकि ये आपको जहन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। फेल लाजिम कौन सा होता है, फेल मुतादी, उर्दू में उसकी पहचान, ठीक है। अच्छा फेले अब आगे चलते हैं, तो अफाल में पहला फेल जो आता है वो फेल माजी है और दूसरा फेल फेल मुजारे है, तो इनके कुल 14 सीगे होते हैं, ठीक है। अच्छा कुल 14 सीगे होते हैं जिनको हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, पहला और चौथा सीगे को निकाल कर जी, यानी दो हिस्सों में 12 और 2, वाहिद मुदक्कर गायब और वाहिद मुनस गायब, इनको निकाल दें, इनको हम बाद में हल करेंगे, ठीक है।
बाकी 12 सीगे जो 12 फेल के जो सीगे होते हैं उनका फाइल उनके साथ हमेशा जमीर मरफू मुत्तसिल होती है। दोबारा अर्ज कर देता हूं, फेले माजी एक एक करके कर ली, फेले माजी का पहला और चौथे सीगे को निकाल दीजिए, जराबा और जराबत, फाल और फालत, बाकी 12 सीगों का फाइल उनके साथ हमेशा उनकी जमीर मरफू मुत्तसिल जो उनका फाइल होती है, मामला हल हो गया, फेल और फाइल दोनों हल हो गए। अच्छा अब देखिए मैं इसको मिसाल से समझाता हूँ, इसमें उसकी वो मिसालें नहीं लिखी हुई, हाँ ये वाली देखिए, जरबतु, अब देखिए ये पहला पहले और चौथे सीगे में से नहीं है, ठीक है, तो अब इसका फाइल क्या होगा, जरब जरबा फेल तू जमीर फाइल, फेल फाइल उनके जुमले फेल खबरी होगा, हसीब तुम हसीबा फेल तुम जमीर फाइल, फेल फाइल उनके जुमले फेल खबरी होगा, जरब ना फेल ना जमीर फाइल, अब अच्छा अलिम ती फेल ती जमीर फाइल जी, फतह तुन्ना फेल इसमें तुन्ना जमीर फाइल, इसको आप यूं भी कर सकती हैं जब आप उसके बाद मफूल है या जार मजरूर है जो भी है तो आप यूं कहते हैं, जरब तो फेल ब फाइल, हसिब तुम फेल ब फाइल, जरबना फेल ब फाइल, अलिम ती फेल ब फाइल, फतह तुन्ना फेल ब फाइल। तो अब ये चीज आप लोगों ने पुख्ता जहन में बिठानी है, पहला और चौथा सीगे को निकाल दें, बाकी 12 सीगों का फाइल उनके साथ हमेशा जमीर होती है। ठीक है, तो बाकी 12 सीगों का फाइल उनके साथ क्या होगी, हमेशा की जमीर होगी जी। अब आप आज कुरान पाक से हम देखते हैं फेल माजी, अच्छा इसी तरह फेल मुजारे के सीगे हैं, फेल मुजारे के भी पहले और चौथा सीगा जो है उसको निकाल दीजिए, यजरिबु और तजरिबु, यफालु और तफालु, बाकी 12 सीगे जो है उनका फाइल हमेशा उनके साथ जमीर होगी। अब यहाँ पे जरब तो हम लगा देते हैं जी, यजरिबानी फेल अलिफ जमीर फाइल, फेल ब फाइल दोनों तरह कह सकते हैं, इसी तरह यजरिबूना फेल ब फाइल, फेल बाओ जमीर फाइल, अजरिबु फेल अना जमीर फाइल या अजरिबु फेल ब फाइल, नजरिबु यानी आंखें बंद करके 12 सीगों को आप जहन नशीन कर लें कि आंखें बंद करके हम कहेंगे कि इनका फाइल इनके साथ, जी। अब कुरान पाक से जरा देखते हैं इंशाल्लाह ताला, जी अब देखें, अब यहाँ पे देखें पहला सूरह बय्यिना आ गई, लम यकुनिल लदीना कफरू कफरू जी, अब ये जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, तो आप खुद ही अगर आपके जहन नशीन हो गया ये जाब्ता तो आप खुद ही यानी तरकीब कर सकती हैं जी, कफरू फेल ब फाइल, ठीक है अब कितना आसान हो गया जी जी, ऊ तू फेल ब फाइल, उमिरू फेल ब फाइल, लियाबुदू फेल ब फाइल, युकीमू फेल ब फाइल, युतू फेल ब फाइल, कफरू फेल ब फाइल जी, आमनू फेल ब फाइल, अमिलू फेल ब फाइल जी, रजू फेल ब फाइल, तो भाई समझ में आ रहे जी। तो अब देखें लेकिन पहला और चौथा सीखा आपने, असर ना, अब ये देखें असर ना फेल ब फाइल, असर ना फेल ब फाइल जी, इसी तरह वसत ना फेल ब फाइल, ठीक है अच्छा जी। अब आ गया जी जी, हत्ता जुर्तुम, जुर्तुम फेल ब फाइल, ठीक है जी, तालमूना फेल ब फाइल, तालमूना फेल ब फाइल, तालमूना फेल ब फाइल, तरबुन्ना फेल ब फाइल, तरबुन्ना फेल ब फाइल, तुसअलुन्ना फेल ब फाइल,
आमनु फेल बफाइल अमिलु फेल बफाइल तवासव फेल बफाइल तवासव फेल बफाइल तरा लम तरा तरा फेल बफाइल ठीक है लिया बुदू फेल बफाइल ठीक है रईता फेल बफाइल यमनाउना फेल बफाइल जुराउना फेल बफाइल आतईना फेल बफाइल ठीक है सल्ली यमर है फेल बफाइल अइनहर फेल बफाइल ला आबुदु फेल बफाइल ताबुदूना फेल बफाइल आबुदु फेल बफाइल अबतुम फेल बफाइल आबुदु फेल बफाइल رأيت فعل بفعل يدخلون فعل بفعل سبح فعل بفعل استغفر فعل بفعل قل أمر كسيغا فعل بفعل ठीक है قل فعل بفعل أعوذ فعل بفعل أعوذ فعل بفعل भी जहन में रहेगा जी इंशाल्लाह ताला। अब ये इतने सीखे करवाने का मतलब ये कि अब ये अहम और जरूरी है जी। ये एक पूछ रही है तजरीबीना, देखिए तजरीबीना फेल नून जमीर फाइल होगा, अंति जमीर होता है वैसे इसमें अंति, लेकिन जाहिर अलामत क्या है नून कह लें या अंति जमीर कह लें तजरीबीना फेल ब फाइल। तो इतना आप इसको जहन में बिठाएं, बार बार प्रैक्टिस करें इसकी, ये 12 सीखे, ये माजी में है चाहे मैं। अब देखिए कुरान पाक हमने सूरह फातिहा पढ़ते हैं सिरात अल्लज़ीन अनअमता ठीक है, तो अनअमता फेल बफाइल, इहदी फेल बफाइल, नअबुदु फेल बफाइल, नस्तईन फेल बफाइल। तो भी जहन में रहेगा जी इंशाअल्लाह ताला, इस बात को पुख्ता करें कि पहले दो 12 से पहले और चौथे सीगों को निकाल कर बाकी 12 सीगे जो है उनका फाइल क्या है वो थोड़ी सी अलग से है, मतलब वो थोड़ी सी है लेकिन फाइल पक्का है, कंफर्म बात है कि उनका फाइल उनके साथ पक्का हो, कर लेंगे इंशाल्लाह ताला जी। इस हवाले से मैं बार बार अर्ज करता हूँ कि भाई परेशान अगर कोई बात समझ में ना आए आप पूछें, बार बार पूछें, लेकिन हल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको फायदा देगा ठीक है जी। असल बात यह है कि फायदा तब है जब आप लोगों को अमली तौर पर फायदा हो। सिर्फ एक कहते ना एक वो बस वक्त कहा जाता है जी उन्होंने बयान बहुत अच्छा किया, हाँ जी क्या किया कुछ नहीं पता तो उसका फायदा कोई नहीं होता। वो हमारे यहाँ पंजाबी में जैसे कहते हैं ना फट्टे चाके देते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं जी, इन्होंने तो यूं कर दिया, उसने यूं कर दिया, बयान क्या किया कुछ नहीं पता। तो भाई ऐसा ना हो कि भाई आप ये तो कहें जी सबक बहुत अच्छा पढ़ाया, सबक बहुत अच्छा, लेकिन क्या आया तो इसका फायदा नहीं। देखिए असल मामला ये है कि आप लोगों को तक जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है और अच्छे अंदाज में आप उसको फायदा उठा लें ठीक है। चले दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।